हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे फॉर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाले वीडियो जो है उसको ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किया है। सो इसमें जस्ट मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हम इजीली कैसे इसको कर सकते हैं। सो एल्डोल कंडेंसेशन एक सेल्फ जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, और क्रॉस जिसमें क्या है, चार प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अब देखो इन दिस रिएक्शन वी हैव CSC, दोनों मैंने एसीटाइल्डिहाइड लिया, तो मतलब सेल्फ है, सेम मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा इसके अंदर सेल्फ कंडेंसेशन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, तो किसी को भी आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक एक वाले पोर्शन को कैसे लिखोगे, CH, इसके H यहाँ, इसका H यहाँ, इसको कैसे लिख दोगे, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। इसको अब अगर ये हाइड्रोजन दे रहा है तो ये क्या देगा, ऑक्सीजन, तो इसको कैसे लिखोगे, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हियर, दिस इज एच हियर एंड दिस इज CH3। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, मतलब यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, देखो CH हियर, सी डबल बॉन्ड ओ एच हेयर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन यहाँ बना दिया और ये CH3 यहाँ बन गया। सो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन ऑल बोलेंगे, IUPAC नेम करेंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, ब्यूट, 2 ईन और 1 पे क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे, AL। ठीक है, ये सेकंड देखो, इसमें सेकंड देखो, अगर हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल दिया है मैंने, इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं, डेट इज फॉर्मल्डिहाइड, डेट इज CHO हियर प्लस में CH3, सी डबल बॉन्ड ओ हियर, दिस इज एच हियर, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH ऐड हम कर रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। अब मैंने बोला था कि अगर क्रॉस है तो इसमें चार प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन क्रॉस में चार प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों के पास ऑक्सीजन हो, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट कैसे, या तो ऐसा हो कि एक ही बीकर में है, एक ही उसमें है, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए, या फिर ये इसके साथ रिएक्ट करे, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अब देखो अगर ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तो कैसे, दिस इज CH हेयर, दिस इज CHO है। अब अगर एक पोर्शन इसका, अगर हम एक मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोजन दे रहा है, तो अगर हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन देगा, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हेयर, दिस इज एच हेयर एंड दिस इज CH3 है, सो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से क्या बनेगा, यहाँ पे CH, CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, CH3 बनेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ से क्या करें, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये हमारे पास क्या करें, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें, अब इस केस में अल्फा हाइड्रोजन तो यहीं से आएंगे, लेकिन ये क्या दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज CH हेयर, दिस इज H एंड दिस इज H हेयर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हेयर, दिस इज H हेयर, फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O हेयर, दिस इज H हेयर एंड दिस इज H हेयर। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और क्या बनेगा, देखो CH, सी डबल बॉन्ड ओ एच हेयर, और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा, मतलब यहाँ से दो प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा, दैट इज प्रोडक्ट 1, और एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो है उसमें चार प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वो वहाँ से एक बार आप देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ भी एक बार बता देती हूँ कि चार प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, मैंने किया था अभी, मैं उसी में सॉल्व कर देती हूँ, एक मिनट देखो, इसमें ये तो चार प्रोडक्ट नहीं है,
ये रहे चार प्रोडक्ट वाले। देखो अगर एक जगह हमने एल्डिहाइड लिया है और एक जगह हमने कीटोन लिया है, सो एक पॉसिबिलिटी है कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे यहाँ से एक प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर कीटोन कीटोन आपस में रिएक्ट करे तो कीटोन कीटोन सेम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, या फिर ऐसा हो कि इसका ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे और ये इस न्यूक्लियोफाइल बनके एक इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक पॉसिबिलिटी कि ये हमारे पास क्या बने, न्यूक्लियोफाइल बने और न्यूक्लियोफाइल बनके इस पॉजिटिव सेंटर पे रिएक्ट करे और यहाँ से एक थर्ड प्रोडक्ट, ये दिस इज थर्ड प्रोडक्ट हमें यहाँ से दे, या फिर इसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वन इज फोर्थ प्रोडक्ट हेयर, ठीक है। सो हमें अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जो पहले वाली वीडियो है उसको देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल मैकेनिज्म बताया है। सो उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक वाली देखो ताकि आप इजिली जो है इनको क्वेश्चंस को कर सको।